हेलो जी, हमने आज ये वाला एक थीम और डेस्कटॉप डिज़ाइन किया है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। ये सब प्रोसेस जो है, हमने जो काम कर लिया है, इससे पहले का प्रोसेस जो है आगे वीडियो में आपको प्रॉपरली मैं बताऊंगा। मेक श्योर ये आप ये वीडियो एंड तक देखें। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आपने देख लिया होगा हमने किस तरह से अपना डेस्कटॉप को डिज़ाइन किया है। तो ये सारा प्रोसेस उस डिज़ाइन करने से पहले का प्रोसेस है। तो बेसिकली आपको दो चीज़ें करनी है मेन। आपको ये जो आइकन्स हैं इसको हाइड करना है, और ये जो आपको टास्क बार है इसको भी हाइड करना है। तो प्रीवियसली वीडियो मैंने एक बनाई थी हाउ टू मेक इट डेस्कटॉप लुक स्टनिंग, अगर वो आपने वो देखी तो आपको पता होगा ये सब कैसे करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और ड्रॉप अ लाइक ऑन दिस वीडियो, क्योंकि इसमें हम आपको एक डेस्कटॉप लुक क्रिएट करना सिखाऊंगा, किस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप को। तो बेसिकली अगर हमने ये आइकन्स को हाइड करना है तो सबसे पहले तो आप राइट क्लिक करोगे और ये जो शॉर्ट डेस्कटॉप आइकन है इनको फ्रंट क्लिक में हाइड कर लोगे। सेकेंडली आपको जाओगे टास्क बार सेटिंग में, राइट क्लिक करोगे अपने टास्क बार का आ जाएगा, इसके बाद ऑटोमेटिकली हाइड इट टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, इट्स ऑन, नाइस, ये भी हाइड हो गया। अब सेकेंड थिंग, आपको जो डाटा चाहिए जो आपने आई थिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद होंगी, आप जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बेसिकली तीन चीज़ें डाउनलोड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डाउनलोड रेन मीटर। रेन मीटर क्या है, ये आपकी कुछ कहने के मोशंस लेके आएगी आपके डिस्को के ऊपर। लास्ट टाइम मैंने डाउनलोड किया था बट आई विल अगेन डाउनलोड। 2.5 MB का ये एक exe फाइल होगी, आप उसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने अक्सर में डाउनलोड भी कर लिया और इंस्टॉल भी कर लिया फिनिश रेन मीटर। आपको सबसे पहले इन तमाम स्किन्स को अनलोड करना होगा, राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर और अनलोड स्किन। ओके, तो सेकेंडली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही होगी divineart.com हिपो PM के नाम से, हिप और PM ऑन डिवाइन आर्ट। डिवाइन आर्ट एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर आपको आर्ट्स मिल जाते हैं, अमेजिंग किस्म की पिक्चर्स मिल जाती हैं, क्रिएटर्स की कुछ क्रिएटिविटी मिलने को देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको अमेजिंग पिक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये एक ये हमारे विडियस हैं जो हमें डाउनलोड करने हैं, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये रेन मीटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे, इंस्टॉल करता हूँ, डेट्स इनफ फॉर दिस वन। तो उसके बाद आपको एक और ब्लू माउंटेन थीम फोल्डर है जो कि 10GIMP के नाम से मेगा डॉट एनर्जी के ऊपर बड़ा हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे जल्दी से। मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट प्रोसीजर आपको गाइड करते हैं। तो हेरी जी, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, तो इसको आप करते हैं एक्सट्रैक्ट। हियर एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो सबसे पहले जो आपका ये वॉलपेपर जो है इसको हम जो है माउंटेन वाला रिव्यू करते हैं। इसको आप इधर सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर लोगे इन दिस वे, और आफ्टर दैट ये जितने भी पड़े हुए हैं ये वाली चीज़ है कॉपी करोगे, डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, यहाँ पे आपको रेन मीटर देखने को मिल जाएगा, कहीं भी ये मिला, स्केल में जाओगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। रिप्लेस फायर आई थिंक मेरे को करनी चाहिए कभी कॉम, खैर आप रेन मीटर को एक दफ़ा एग्जिट कर दो, ये रेन मीटर है, और अब ट्राई अगेन करोगे तो ये इधर पेस्ट हो जाओगी। तो फाइल्स को कॉपी करने के बाद आप अगेन रेन मीटर को रन कर लोगे। फाइल्स कॉपी करने के बाद अगेन रेन मीटर को रन करोगे, यहाँ पे आओगे आप इस सेक्शन में लुमिनो, आफ्टर दैट आप टाइम ऐड कर लो, वेदर ऐड कर लो, डेट ऐड कर लो। तो टाइम ऐड करते हैं लोड, वेदर फोरकास्ट लोड और डेट लोड। अब इसको हम मिनिमाइज करते हैं, तो ये आ गई हमारी डेट एयर्स, आपने टाइम आ गया इधर। तो टाइम को अभी आप ऐसे इसको मूव करोगे तो मूव नहीं होएगा, आपको जाना है सेटिंग में और ये यहाँ पे कीप ऑन स्क्रीन है, इसको आपको इधर से अनचेक करना होगा और ये इधर मूव कर जाएगा लाइक दैट। थोड़ा सा इधर नीचे करते हैं और ये इधर आ जाएगा, अभी ये थोड़ा सा छोटा है, हम इसको स्केल करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे, स्केल में जाएंगे 0.80 पे जाते हैं, फाइल सेव, इसको क्लोज करते हैं, इसको रिफ्रेश स्क्रीन करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इन दिस वे। और डेट थोड़ी सी बड़ी लग रही है मेरे को, डेट थोड़ी छोटी करते हैं, स्केल को 1.80 करते हैं, फाइल सेव क्लोज और ये रिफ्रेश करते हैं, तो डेट्स लुक्स वेरी गुड। और अभी क्या चीज़ रह गई, अभी हमारा एक चीज़ रह गया मेन, अभी हमारे पास रेन मीटर का डॉग है, ये हमने नहीं लोड किया लोड, और ये चीज़ हमारा जो आ गया मेन्यू,
लाइक दिस और अभी करते करते क्लोज अभी हम उसमें इसको एडिट स्किन करेंगे तो इधर से हमने इसे कलर फिल करना है ताकि वो थोड़ा सा बैक साइड ट्रांसपेरेंट हो जाए तो वेर इज ट्रांसपेरेंट वाला ये फिल कलर आ गया इसको हम कर देंगे 255 और अगेन 255 और अगेन एक कोमा देंगे और सिंपल 5 सेव अभी इसको क्लोज करते हैं तो इस तरह हाँ एकदम इसको रिफ्रेश करते हैं लाइक दैट ये बैक साइड से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अभी कुछ लग रहा है तो अभी मेन चीज़ रहेगी हमारी क्या रहेगी बताता हूँ हमारा जो विजुलाइजर भी वैसे है तो नोट करते हैं तो विजुलाइजर हमारा किधर आया है फिर भी वो साउंड वाला होगा तो इसको एकदम छोड़ते हैं बर्ड्स गिव में जाओगे आप और हाँ ये वाला इसको नोट आउट करो देखिए परिंदे इधर आ गए तो इसको हम आई थिंक करें 966 थोड़ा सा ऊपर ही हो गया सही थोड़ा सा और करते हैं इसको 999 करते अभी भी कम है तो 1200 कर लेते हैं लाइक हाँ इधर कुछ प्रीटी गुड और इसको ऑन डिस्टॉप करना है मेन जितने भी हमने किए हैं रेनवेटेड टॉक और ये वाले सारे ऑन डिस्टॉप होना चाहिए पोजिशन ऑन डिस्टॉप ये जहाँ पे हमने टाइम और वेदर किया हुआ है इसको भी ऑन डिस्टॉप ही करेंगे जैसे ये भी ऑन डिस्टॉप होगा और हाँ यही और ये भी ऑन डिस्टॉप तो डेट्स ऑल ये था हमारा ओवरऑल फाइनली जो हमने डिज़ाइन करना था मेक श्योर आपको ये जो सेटअप ऑफ द थीम आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करें मेरे चैनल को मे बी आई विल ग्रो विद योर लिटिल हेल्प सी यू इन नेक्स्ट वन पीस आउट हैव फन टेक केयर बाय बाय